नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अनुपम खेर काफ़ी एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए। समय समय पर ट्विटर पर इसकी शूटिंग के प्रोमोनुमा वीडियो फोटो पोस्ट करते थे। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि उन्होंने शानदार काम किया है। चलने के स्टाइल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो मिमिक्री की है वो भी बढ़िया है। संजय बारू को कभी किसी ने खास नोटिस नहीं किया। उनके रोल में अक्षय खन्ना कैसे हैं ये बारू को जानने वाले बता पाएंगे। बाकी सोनिया की मिमिक्री भी अच्छी की गई है। प्रियंका गांधी के गेटअप का सही ध्यान रखा गया है। राहुल गांधी की मिमिक्री के पैसे शायद काट लिए हैं फिल्म मेकर्स ने, तो फिल्म धमाकेदार होगी। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि टाइमिंग इसकी बहुत सही है, एकदम लोकसभा इलेक्शन से पहले आ रही है। देखो, दो ही तरीके होते हैं इलेक्शन लड़ने के, या तो विरोधी की शीशा लेदर कर दो या अपनी भयंकर वाली बढ़ाई कर दो। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के पास बाल ठाकरे हैं तो वो उनके सहारे हैं। इधर बीजेपी के पास नेहरू गांधी परिवार है, ये इनके सहारे हैं। लोग इनको प्रोपेगेंडा फिल्में भी कह रहे हैं, लेकिन ये कतई अच्छी बात नहीं है। फिल्म तो फिल्म होती है, अगर उनसे फिल्मकारों के अलावा किसी का और का फ़ायदा हो रहा है तो कोई गुनाह थोड़ी है यार। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि फिल्म 1000 करोड़ कैसे कमाएगी। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसका ट्रेलर ट्वीट किया गया है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल फिल्म रिव्यू देने के लिए बदनाम थे, अब भाजपा का नाम फिल्म प्रमोशन से हो रहा है। फिल्म देखने के बाद उसकी क्वालिटी बताना ज़्यादा बुरा है या उसको प्रमोट करना, ये तो ऑडियंस तय करेगी। हमको बस इतना पता है कि फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी। अगर फिल्म का टिकट सिर्फ 100 रुपये का रखा जाए तब भी, तो कैसे, हम बता रहे हैं यार। जुलाई 2015 में ही मिस कॉल द्वारा पार्टी ने 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स जोड़ लिए थे। इस तरह से वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अब 100 और 10 करोड़ का कूड़ा कर लो, रकम निकल आएगी। बीजेपी के मेंबर्स हैं तो कम से कम वो तो फिल्म देखने जाएंगी ही और साथ में अपने घर परिवार यार दोस्तों को भी ले जाएंगे, तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाई करने वाली है। कुछ कोर सपोर्टर्स तो ऐसे हैं जो फिल्म 2-3 बार भी देख सकते हैं। कुछ लोग कांग्रेस और सोनिया परिवार को करीब से जानने के लिए 2-3 बार फिल्म देखाएंगे। इस तरह से फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और एक और बात है खास, नाम इसका भले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन ये MMS यानी मनमोहन सिंह की बायोपिक नहीं, संजय बारू की बायोपिक लग रही है। कम से कम ट्रेलर देखकर तो यही लगता है। उसमें संजय बारू ज़्यादा ऑथेंटिक लगे हैं और उनको सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से ज़्यादा स्पेस मिला है। आमतौर पर हिस्टोरिक इंसिडेंट पर या किसी की बायोपिक बनाने वाले लोग कई जगहों से जानकारी उठाते हैं, हर तरफ के पक्ष मिलते हैं और उनको फिल्म में पर्याप्त जगह मिलती है, तब एक ईमानदार बायोपिक रूप लेती है और सबको क्रेडिट भी दिया जाता है। भाई तो देखो, रामायण की कहानी सबको पता है, लेकिन उस पर सीरियल बनाने के लिए रामानंद सागर ने BCO रामायणों का संदर्भ लिया है। अब मनमोहन सिंह के बारे में बारू से ज़्यादा कोई जानता नहीं, तभी तो उनको एक किताब लिखी उन्होंने। और इत्तेफाक देखिए कि वो किताब भी अप्रैल 2014 में आई थी, ठीक लोकसभा चुनाव के टाइम। अब उस पर ये फिल्म आ रही है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में कुछ लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि संजय बारू BJP की तरफ से फील्डिंग सेट किए हुए हैं, लेकिन ये तो लोगों का मुंह है यार, बिना सोचे समझे लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ, बायोपिक ये संजय बारू की ही लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपने समय की बहुत ज़रूरी फिल्म है। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने वालों के मुँह बंद करने के लिए इतना कहना ज़रूरी है कि ऐसी क्रांतिकारी फिल्में आज की ज़रूरत हैं। ये फिल्म दिखाती है कि एक ही परिवार द्वारा हैंडल होने वाली पार्टी जब पूरा देश हैंडल करने लगती है तो कितना बुरा होता है। इससे आपको लोकतंत्र में परिवारवाद की कड़वी सच्चाई का पता चलेगा और आप इसको आज से भी कनेक्ट कर पाएंगे, जब पता चलेगा कि BJP ने रामविलास पासवान से गठबंधन बचाने के लिए उनकी हर ख्वाहिश मान ली है, जिनका पूरा परिवार सांसद है। रामविलास पासवान, उनका बेटा चिराग पासवान सांसद, चिराग के चाचा रामचंद्र पासवान सांसद और एक चाचा पशुपति कुमार पारस बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये पूरा का पूरा परिवार परिवारवाद के खिलाफ खड़ी BJP के साथ गठबंधन में है। ऐसी फिल्म की दूसरी ज़रूरत यह है कि सबको पता रहे कि लोकतंत्र में सबका वक्त आता है। जब UPA पावर में थी तो ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती थी, इसलिए अभी इसे सुपरहिट करने में BJP जोर लगा रही है। इसमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह के समय हुए घोटालों और नीतियों वगैरह की बात होगी। हो सकता है कभी अभी वाली सरकार पर फिल्म बने,
तो उसमें नोटबंदी जैसे एक्सीडेंट की बात रहे, जो एक्सीडेंट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर पाए थे। अपना फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है ही अपने देश में, तो फिल्में बनेंगी और सुपरहिट भी होंगी। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन ये कहानियाँ तो हमेशा रहेंगी। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। गालियाँ वालियाँ मत दिया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। और फिर पीएम भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाना बंद कीजिए आप लोग, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।